हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर आज हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं जिस मिनिमलिस्ट AHA25BHA2 इस पीलिंग सॉल्यूशन का। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो गाइस, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके पैकेजिंग से। तो एज यू कैन सी, ये कुछ इस प्रकार से कार्डबॉक्स बॉक्स के अंदर आपको रिसीव होगी। ये कुछ इस प्रकार से जो है इसकी ओपन होती हैं। देन आपको नीचे आपका सीरम रखा हुआ मिलता है, ऐसा ही आपको रखा हुआ मिलेगा। और आप देख सकते हो कि जो पीलिंग सॉल्यूशन हो येलो कलर की है, बिकॉज इसके अंदर टर्मरिक है तो उसका कलर है वो। और आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ कर लिया, मैंने इक्वल से ज़्यादा अमाउंट इसको जो है यूज़ कर लिया है। और इस पीलिंग सॉल्यूशन को मैंने जनवरी में लिया था, तो उस जनवरी से मैं यूज़ कर रहा हूँ और तभी जाके मैं इसको अभी रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं जो है मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आगे तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और इसके साथ आपको मिलती है 11th मंथ की एक्सपायरी डेट। 699 रुपीज़ इस प्रोडक्ट की प्राइस है। 5% डिस्काउंट ही आप पर मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, नायका पर भी। एक बार अगर आप इसको खोल देते हो तो आपको इसको 6 मंथ के अंदर जो है गाइस यूज़ कर लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर है AHA 25% में और PHA 5% में और BHA 2% में। आपको पता ही है AHA, BHA और PHA क्या होते हैं। तो ओके, तो इसको हम रख देते हैं बाद। गाइस, मिनिमलिस्ट एक क्लीन ब्रांड है और इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होते, कोई भी सिलिकॉन, पैराबेन, एसेंशियल ऑयल, डाइस और सल्फेट इसके अंदर नहीं होते। तो ये एक क्लीन ब्रांड है, तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने इसका मिनिमलिस्ट का जो है सबसे पहले जिंक और 10% नायसिनमाइड का रिव्यू ऑलरेडी देखे रखा है, तो अगर आपने चेक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करने ला। तो आप देख सकते हो गाइस इस प्रोडक्ट का टेक्सचर, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। थोड़ा सा ऐसा थिक वाटरी इसका जो है टेक्सचर है, आप देख सकते हो ऐसा थिक और वाटरी किंडा इसका जो है टेक्सचर है, बहुत बढ़िया टेक्सचर है। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि इसको आपको किस प्रकार से जो है यूज़ करना है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है केमिकल पील हैं और बहुत अफोर्डेबल भी है। और मैं आपको बता दूं कि इसको आपको किस प्रकार से यूज़ करना है। इसको आपको रात में ही यूज़ करना है, दिन में इसको यूज़ नहीं करना। पैक पे लिखा है कि आपको इसको पर वीक यूज़ करना है, वंस पर वीक, हफ्ते में एक बार इसको आप यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन इसको टॉलरेट कर लेती है तो आपको इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हो, ऐसा जो है लिखा है प्रोडक्ट पे, बॉक्स पे। और आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यहाँ पे मैं जो है एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। गाइस आप यहाँ पे जो है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी देख पा रहे होंगे और कैसा यूज़ करना है वो भी आप यहाँ पे जो है देख पा रही होंगी। गाइस इसके अंदर जो है एलोवेरा जूस है वाटर के जगह पे। अगर आपको एलोवेरा जूस नहीं सूट करता तो स्किप दिस, बट मुझे एलोवेरा जेल बहुत अच्छा लगता है, बहुत इतना यूज़ करता हूँ मैं एलोवेरा जेल, बहुत यूज़ करता हूँ, तो मुझे इस प्रोडक्ट के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस चलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ इस प्रोडक्ट के साथ। तो गाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ बहुत बढ़िया रहा है। गाइस ये प्रोडक्ट मेरे लिए एक मैजिक है, मैजिक मैजिक मैजिक, बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज गाइस ये प्रोडक्ट रियल में मेरे डार्क स्पॉट पे, टेक्चर पे, एक्ने पे, पिंपल पे, पिगमेंटेशन पे और जो स्किन पे डलनेस आ जाती है उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क किया है। और गाइस डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को रीपर्चेज करूँगा, बट मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा डिस्काउंट जो है आपको नहीं मिलता। नायका पे सेल लगी थी पिछले टाइम, तो वहाँ पे आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल रहा था कॉम्बो पे, जो कि बहुत बढ़िया बात है अगर आप कॉम्बो लेते हो तो। और गाइस इस प्रोडक्ट को मैं जो है वंस अ वीक यूज़ नहीं करता, मैं इसको मंथ के अंदर 2 बार यूज़ करता हूँ, यानी कि 1 महीने के मैं इसको 2 बार यूज़ कर लेता हूँ रात के टाइम पे, और 10 मिनट इसको रखता हूँ, देन वॉश कर डालता हूँ, देन एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ और सो जाता हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ पैस्टराइज ज़रूर कर लेना। सेंसिटिव स्किन टाइप वाले पीपल प्लीज़ इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको पैस्टराइज ज़रूर करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल एक्सपोलेटर है। और इससे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत इरीटेट हो सकती है। मेरी स्किन बहुत इरीटेट हुई थी फर्स्ट टाइम पे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तब। और गाइस इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद जो है फेस पे अगर आपके एक्ने हैं बहुत सारे, तो जो है वो जो है टिंगलिंग सेंसेशन जो है आपको फील हो सकती है। मुझे भी फर्स्ट टाइम जो है बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन जो है फील हुई थी इसे यूज़ करने के बाद,
तो गाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ तो बहुत बढ़िया रहा है। अब 5 मंथ हो गए हैं इसको मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, कि रेगुलरली मीन्स रेगुलर मंथ यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बहुत बेनिफिट इससे हुआ, मेरे डार्क स्पॉट, पिंपल, एक्ने और पिगमेंटेशन बहुत हद तक जो है कम हो गए हैं इससे, और मैं इसको रिकमेंड करूँगा आपको भी। तो गाइस ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।